कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराओ। मैंने एलजी साहब से पूछा, सर मेरे को वो धारा बता दो संविधान की, मैं सारे सर ये जो आज मैं लेके आया हूं ना, ये सब लेके गया था मैं एलजी साहब के पास, ये सारी चीजें लेके गया था। मैंने कहा सर ये आपके सामने रखी है, अब मेरे को इसमें दिखा दो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑर्डर करने की पावर किस कानून के तहत है, कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको ये पावर देता है कि आप दिल्ली सरकार के किसी काम की कॉस्ट बेनिफिट मैं कराऊंगा। मेरे को जनता ने कहा है मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराऊंगा, ये सदन है, ये सदन कराएगा, इसकी कमेटियां कराएगी, ये कमेटियां कराती है, ये सौरभ मेरे को बताता है, राजेश बताता है, सोमना, ये सारे बताते हैं, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये लोग कराएंगे। आप कौन होते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने वाले? दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए और उसके बाद अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपके पास तो पावर नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये 10 एल्डरमैन कैसे बना दिया आपने, ये तो आपके पास पावर नहीं है, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, एमसीडी एक्ट तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, आपने 10 एल्डरमैन कैसे बना दिए? बोले उस कानून में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर शैल अपॉइंट 10 एल्डरमैन। तो मैंने उनको ये एक और दूसरा ऑर्डर दिखाया सुप्रीम कोर्ट का, ये 2019 में आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें लिखा है कि जहां एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा वहां भी मंत्रियों की चलेगी, वहां भी मुख्यमंत्री की चलेगी, ये लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तब भी हमारी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो राय है। उसके बाद एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी मैं लेके गया था, और कुछ हो ना हो एलजी साहब ने मेरे को वकील तो अच्छा बना दिया। ये 1998 का जजमेंट है ओपी पावा, इसमें साफ साफ लिखा है मोटर व्हीकल्स एक्ट में डेफिनेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें लिखा है सारी पावर दिल्ली सरकार की होगी, सारी पावर मुख्यमंत्री की होगी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी लिखा है, तब भी सारी पावर दिल्ली सरकार की है, एलजी साहब की पावर नहीं है। ये सारा मैंने उनको बताया, पर वो तो माने ही नहीं, वो तो बोले कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। फिर मैंने कहा सर आप आजकल रोज चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देते हो, मतलब